एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थोर रॉकेट और ग्रूट को लेकर थैनोस को हराने वाला एक डेडली वेपन बनवाने के लिए नेडाविलियर जाता है, तो आखिर क्यों ईटरी थोर को स्टॉर्म ब्रेकर ही बनाकर देता है, जबकि वो उसकी जगह कोई दूसरा वेपन भी बना सकता था। शायद आपको याद होगा कि वेपन बनाने से पहले ईटरी ने थोर से कहा था कि यह वेपन एक महान राजा का है, पर क्या आप ये जानते हैं कि वो महान राजा कौन था? वो राजा था बेटा रे बिल, जो कि एक महान एलियन वॉरियर था, जिसके प्लेनेट को सैटर, जिसे आपने थोर रैग्नारोक में देखा था, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, सेम वैसे जैसे एसगार्ड को किया था। बट क्योंकि ओडिन ने नाइन रियल्म्स की प्रोटेक्शन का वादा किया था, तो जब बेटा रेबिल ओडिन से हेल्प मांगने एसगार्ड आया, तो ओडिन ने उसकी हेल्प करते हुए उसे एक ऐसा वेपन बनाकर दिया जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल था, और वो बेटा रेबिल ही था जिसने सैटर को हराकर इस जगह पर कैद किया था। और क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर एक मोस्ट पावरफुल वेपन था, तो उसका पर्पस पूरा हो जाने के बाद ओडिन ने उसे डिस्ट्रॉय करवा दिया था, ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके।